नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जो लोग हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, उनको पता है कि हनुमान जी का दिन मंगलवार होता है। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी भगवान आपकी हर परेशानियों को दूर कर दे, चाहे वह नकारात्मकता से, चाहे तंत्र मंत्र बाधा हो, चाहे गृह कलेश हो, भूत प्रेत की साया हो, इन सभी समस्याओं से मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो हनुमान जी की पूरे मन से मंगलवार को पूजा पाठ करें, क्योंकि इस कलयुग में भगवान हनुमान जी ही हैं जो साक्षात जागृत देव हैं। और आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान जी स्वशरीर आज भी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी इस तरह के खास वीडियो हम लाएं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले मंगलवार को हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्या करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के दिन भगवान राम के मंदिर जरूर जाना चाहिए। हनुमान जी के दर्शन करने के साथ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के भी दर्शन अवश्य करें। मंगलवार के दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंग बली आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में और कोई भी बड़ी समस्या चल रही है तो नित्य सुबह दैनिक पूजा में श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक या फिर देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और हनुमान जी भक्त को माला माल कर देते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाना लाभदायक होता है, लेकिन मंगलवार के दिन लाल गाय को रोटी खिलाना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन लाल गाय को रोटी खिलाने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। और दोस्तों, मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। इससे मंगल ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और लाल रंग का वस्त्र धारण करके कहीं आप जा रहे हैं तो आपको उस कार्य में सफलता भी मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन उधार या लेन देन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन धन का लेन देन अशुभ माना गया है। मंगलवार के दिन लिए गए कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाता है और दिए गए धन का मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मंगलवार को किसी को पैसा उधार न दे और न ले। मंगलवार के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को उन उग्र ग्रह बताया गया है। ऐसे में आप मांस और मदिरा का सेवन करेंगे तो आपके स्वभाव में उग्रता आएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर और घर में विद्यमान हो जाती है और शनि का प्रभाव आपके जीवन में सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर नजर आने लगता है। मंगलवार के दिन काला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, इससे शनि का प्रभाव बढ़ता है और शनि के साथ मंगल का प्रभाव बहुत ही अशुभ और कष्टकारी माना जाता है। मंगलवार के दिन धारदार चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। मंगल को युद्ध का देवता माना गया है, इसलिए इस दिन धारदार चीज नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से घर में वाद विवाद बढ़ता है, शत्रुता बढ़ती है, इसलिए मंगलवार के दिन चाकू, छुरी, कैंची आदि धारदार चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। मंगलवार के दिन बाल या शेविंग नहीं करना चाहिए, साथ ही नाखून काटने से बचना चाहिए। इसका असर आपके मस्तिष्क पे पड़ता है, इससे व्यक्ति की बुद्धि की हानि होती है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन बाल कटवाने से व्यक्ति की आयु
8 महीने कम हो जाती है। मंगलवार के दिन सौंदर्य प्रसाधन या वैवाहिक सौंदर्य की चीजें नहीं खरीदना चाहिए, इससे वैवाहिक संबंधों में दरार आती है। सौंदर्य प्रसाधन का सामान खरीदने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन अति उत्तम माना गया है। मंगलवार के दिन सुहाग का दिन खरीदने से पति पत्नी के संबंधों में दरार आ जाती है। दोस्तों, घर को बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का वास न हो, इसके लिए या तो कोई जादू टोना, भूत प्रेत का साया घर में न आए, इसके लिए क्या करना चाहिए। मंगलवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर सफेद नमक को एक लाल कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कोई बुरी नजर या टोटका या गुप्त या भूत प्रेत का प्रभाव नहीं होता है। इतना ही नहीं, इससे आपके परिवार पर काला जादू या भूत प्रेत का प्रभाव भी नहीं होगा। दूसरा एक उपाय यह है, व्यापार में वृद्धि करने के लिए मंगलवार के दिन काला नमक को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और अकारण और बेवजह धन का खर्च रुकेगा। इस नमक को हर 15 दिन बाद बदल देना चाहिए और पुराने नमक को पानी में डालकर इसको व्यापार के स्थान पर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। इससे उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अगला उपाय यह है कि नमक एक चमत्कारिक पदार्थ है। इसकी उत्पत्ति उस स्थान से होती है जहां पर मां लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, इसलिए इसको अद्भुत रत्न भी माना जाता है। इसलिए इसका दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भूल कर भी नमक का दान नहीं देना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको धन ही क्यों न मिल रहा हो। नमक का दान करने से मां लक्ष्मी का दान हो जाता है, क्योंकि घर के नमक में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए धनवान बनना चाहते हैं तो भूल कर भी नमक का कभी दान न करें। इतना ही नहीं, भूलवश मंगलवार के दिन बाजार से नमक खरीद कर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं मंगलवार के दिन कौन सा संकेत मिलना शुभ माना जाता है। किसी मंगलवार के दिन आपके घर बंदर का आना शास्त्रों में बानर को हनुमान जी का ही रूप माना जाता है। दूसरा संकेत यह है कि घर पर किसी लाल रंग की गाय का आना। लाल रंग की गाय अगर आपके घर पर आए तो गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तीसरा संकेत है लाल रंग की चींटियों का घर में आना। अगर मंगलवार के दिन आपके घर में लाल रंग की चींटियां आती है तो समझिए कि मां लक्ष्मी का रूप, चींटियों को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगला संकेत है कि मंगलवार के दिन आपके घर में लाल रंग का कुत्ते का आना। मंगलवार के दिन जो भी बातें बताई गई हैं, उम्मीद है आप उसको अच्छे से समझा होगा। सनातन के बहुमूल्य उपाय को आप हमारे माध्यम से सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।